डूब नहीं सकता है, ये बात याद रख, डूब नहीं सकता है, तू सच बोल। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा खड़ी मशीन डैम में आज शाम करीब 5 से 6 बजे के आसपास एक 17 से 18 वर्षीय लड़के की डूबने से मौत हो गई है। मृतक का नाम समीर इरफान खान है। हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। समीर इरफान खान अमृतनगर दरगाह के पास जैबुन्निसा इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम को समीर अपने एक दोस्त साबिर के साथ ये दोनों लोग खड़ी मशीन डैम पर नहाने के लिए गए थे। डैम पर पहुंचने के बाद साबिर ने बताया कि उसके 2 से 3 और साथी वहां मिले थे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही मनपा ने इस डैम को कटीली तारों से घेराबंदी कर दी थी, मगर कुछ शरारती तत्वों ने कांटे वाली इस तार को तोड़ दिया था और इसी रास्ते से जो पहला डैम है उसमें लोग नहाते हैं और इसी डैम में साबिर और समीर इरफान खान भी नहा रहे थे। साबिर ने बताया कि वो डैम से बाहर निकलकर समीर को भी बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाया, मगर डैम में समीर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद साबिर ने इसकी जानकारी परिवार वालों को दी। रोते बिलखते परिवार के लोग भी डैम पर पहुंच गए। मौके पर पुलिस भी पहुँच गई, जिसके बाद डैम से समीर को बाहर निकाला गया। हालांकि बताया जा रहा है कि समीर को तैरना भी आता था तो कैसे फिर वो डूब गया, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन डैम से निकालने के बाद बताया जा रहा है कि उसकी सांसें चल रही थी, उसे तत्काल रहमानिया अस्पताल परिजन लेकर पहुंचे, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन शव को लेकर अपने घर चले गए। हालांकि इस घटना के बाद साबिर से हमने बात की और उसने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस घटना को लेकर काफ़ी लोगों में गुस्सा देखने को मिला। जब हम साबिर से बातचीत कर रहे थे उसी दौरान कुछ लोगों में इस घटना को लेकर झड़प हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह से इस झड़प को शांत करवाया। थोड़ी ही देर बाद मृतक समीर के घर पर पुलिस भी पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही सच सामने आएगा कि आखिर समीर की मौत वाकई में डैम में डूबने से हुई है या फिर डैम में समीर के साथ कोई और घटना हुई है। पुलिस जांच में ही ये सच सामने आएगा। दो जन इसको हटाओ। तुम लोग दो जन गए थे, कौन कौन गया था? मैं समीर। रास्ते में और दोस्त मिले थे तुम्हारे? नहीं, यानी पहाड़ पे मिले। पहाड़ पे मिले? हाँ। तो कहाँ नहा रहे थे तुम लोग? पहले डैम में। पहले वाले डैम में जाली लगी है, तुम लोग कैसे गए अंदर? वहाँ पर कांटे का तार लगा है ना वहाँ पे, तुम लोग गए कैसे वहाँ पर? वहाँ पर जाना जब मना है ना, फिर क्यों गए वहाँ पे? सब जन नहा रहे थे, बोल के हम लोग भी नहाए। पहाड़ पे जो तुम्हारे दोस्त मिले थे तो क्या वो भी तुम लोग के साथ में नहा रहे थे? नहीं नहीं। तो डैम में कितने लोग नहा रहे थे? बच्चे लोग बहुत जन नहा रहे थे। तुम दोनों नहा रहे थे, जिसकी डेथ हुई वो और तुम नहा रहे थे, तो तुम बाहर निकल आए उसको छोड़ दिए थे? ए भाई रास्ता क्लियर करना। ए भाई मुंडी दिखा रहा था, बोला मैं टी शर्ट पहनने जा रहा हूँ, तू फटफट आ। तो उसने हाथ बताया, बोला आ रहा हूँ जा। तुम्हें टी शर्ट पहनने के लिए गया ना तो आगे देख रहा ना, तुम्हें को क्या लग रहा है कि समीर बाहर आ गया? तुम्हें ऊपर देख के आया, उसको नीचे देखा नहीं दिखा। वो पता कैसे चला कि वो डूब गया? पता कैसे, पता कब चला कि वो डूब गया? मैं आप पर ही बैठेला था। तुम डेली आते थे कि कभी कभार आते थे? अरे पहली बार ही, अभी कितने उसको तैरना आता था। हाँ,
डूबा कैसे बिठाऊंगा फुप्पा के बाजू में, ऐसी तेरी बजवाऊंगा ना, याद रखना। तुम्हारा नाम क्या है? साबिर। और जो एक्सपायर हुआ बच्चा उसका नाम? समीर। समीर एकदम है ना, इन लोग को तैरना कैसा पूरी तरह से नहीं आता, तैर लेते पूरी तरह से नहीं आता लोग तैरना आता है समीर को, साथ में ना छोटा फ्यूचर बिजनेस में समझ रहे ना, तो अभी का मेरे सामने का बचका है मेरे साथ में साथ का, वो भी छोटा ही है उम्र में मेरे को, समझ रहा साथ में अच्छी तरीके से आता है, अच्छी तरीके से डूब नहीं सकता है, ये बात याद रख, डूब नहीं सकता है, तू सच बोल। मैं आ रहा था जमजा मॉल के तरफ से, समझ रहे भाई से मिलने के लिए मैं आ रहा था, तो उतने में मेरे को वहाँ दिखी, तुम बोला इन लोग कैसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।